6 से आदरणीय जावेद भाई को उम्मीदवार बना के भेजा है और इस उम्मीद के साथ भेजा है कि नौगावा के लोग जो जावेद भाई को पिछली बार भी बहुत शानदार वोट दिए थे लेकिन बहुत कम समय में बहुत कम वोटों से पीछे रह गए, तो इस भरोसे के साथ भेजें कि जावेद भाई इस बार तो ऐतिहासिक वोटों से यहाँ से जीतेंगे। जावेद आती जी वो व्यक्ति हैं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी माननीय अखिलेश यादव जी निकलते हैं चुनाव के अभियान में तो उस अभियान का एक हिस्सा जावेद आती साहब पूरे प्रदेश में जरूर रहते हैं और ये आपके बीच के उम्मीदवार हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं और अपील करता हूं आपसे कि भाई जावेद आती जी जिनके भाषण जिनके शेर और शायरी जिनकी बातों को सुनने के लिए पूरे प्रदेश के समाजवादी लोग सुनना चाहते हैं, हम समाजवादियों की इच्छा है कि एक बार इनकी आवाज विधानसभा के अंदर भी गूंजनी चाहिए और वो आवाज गूंजवाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप जब जावेद भाई को यहाँ से विधायक बना के भेजोगे तो केवल यहाँ से विधायक ही नहीं बनेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर से योगी सरकार को खाड़ फेंकने की शुरुआत नौगावा के लोगों आप लोगों को करने है, क्योंकि इसलिए भी करनी है, योगी जी की सरकार ने सिर्फ एनकाउंटर किए हैं, अत्याचार किया है, अन्याय किया है, वो भी जाति देख के धर्म देख के लोगों को सता के, और उत्तर प्रदेश का कोई वर्ग समाज ऐसा नहीं छोड़ा जिसका शोषण योगी जी की सरकार ने न किया हो। अभी हम लोग हाथरस में होके आए 4 तारीख को, जिस तरह से हाथरस की उस बेटी के साथ हुआ, रामपुर सफेद के लोगों आप जान के आश्चर्य करोगे, जो लोग हत्यारे जो लोग दोषी हैं उनको बचाने के लिए पूरी सरकार एक तरफ खड़ी थी, पूरा विपक्ष एक तरफ बेटी को न्याय दिलाने के लिए खड़ा है, लेकिन योगी जी न्याय देने को तैयार नहीं है। बस तो मैं समझता हूँ उस बेटी की भी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब आप लोग यहाँ से बीजेपी को हरा के भेजने का काम करो। बहुत सारी चीजें हैं किसानों की, बताओ ये झूठे लोग ये बीजेपी के लोग, हमें आपको इनसे मुकाबला करना है। बताओ लोग विधानसभा के चुनाव के समय क्या कहा था कि गन्ना का भुगतान 1 हफ्ते में करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बोले वाले किसान लोगों को लगा कि शायद बीजेपी के लोग 15 साल बाद लौटेंगे, शायद कुछ सच बोले हों, लेकिन लोगों को अंदाज नहीं था ये बीजेपी के लोग कभी सच बोलते ही नहीं है, कभी सच नहीं बोलते, इनकी जितनी बातें होती हैं हर बात में कोई ना कोई चालाकी कोई ना कोई झूठ शामिल होता है। हम देखा सही किसानों को बर्बाद कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया पूरी तरह से, इसलिए किसानों की खुशहाली भी लानी है, नौजवानों के रोजगार के इंतजाम भी होने हैं, मजदूरों के लिए भी काम होना है, प्रदेश की तरक्की के लिए भी काम करना है, फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर अस्पताल बने, बेहतर एम्बुलेंस से लेके तमाम सुविधाएं सेवाएं चले, इन चीजों के लिए अगर किसी की जरूरत है तो उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनाने की जरूरत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।